Hello everyone, welcome to IS Help Desk. Today we are going to start with Financial Market Part 2. Before this we have done Financial Market Part 1, and before Financial Market we have already completed very important chapters such as Introduction to Economy, National Income, Monetary Policy, Banking and Inflation. These are very crucial for prelims as well as mains, so you must watch those videos. Let's begin with Capital Market. Capital Market, Financial Market ka ek important component hai. कैपिटल मार्केट में बिजनेसेस, गवर्नमेंट, कंपनीज वो आते हैं और वो फंड रेज करते हैं. यहाँ पे बेसिक जो पर्पज होता है कंपनीज का, गवर्नमेंट का, वो होता है कि फंड को रेज करना, यानी पैसे की जरूरत पड़ती है गवर्नमेंट को, कंपनीज को, टाइम टू टाइम वो यहाँ से पूरा होता है कैपिटल मार्केट से. लेकिन इन्वेस्टर जो है, इन्वेस्टर को अपना बेनिफिट होता है. इन्वेस्टर इन्वेस्ट करते हैं, अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करते हैं, अलग अलग कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करते हैं, बॉन्ड मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, तो उन्हें भी डाइवर्सिफिकेशन मिलता है. डाइवर्सिफिकेशन मतलब होता है अलग अलग जगह इन्वेस्ट करने को कहते हैं डाइवर्सिफाई करना. ये कहा जाता है, कहावत है कि डू नॉट पुट योर ऑल द एग्स इन वन बास्केट. सारे अंडे को एक बास्केट में नहीं रखना चाहिए, ये इन्वेस्टमेंट में कहावत है. इसलिए डाइवर्सिफिकेशन का मौका मिलता है इन्वेस्टर्स को. कैपिटल मार्केट में हम देखते हैं कि इसके बहुत सारे बेनिफिट है. नंबर वन बेनिफिट है कैपिटल फॉर्मेशन. यहाँ पे कैपिटल फॉर्मेशन करने का मौका मिलता है गवर्नमेंट को, कंपनीज को, अपने जरूरत के मुताबिक वो पैसे रेज करते हैं, वो भी लॉन्ग टर्म के लिए रेज करते हैं. मनी मार्केट जो होता है वो शॉर्ट टर्म के लिए होता है, लेकिन कैपिटल मार्केट लॉन्ग टर्म के लिए होता है, तो कैपिटल फॉर्मेशन यहाँ पे होता है. नंबर टू है इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी मिलता है, यानी इन्वेस्टर जो होते हैं उनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिलता है जहाँ पे वो पैसे अलग अलग जगह पे लगा सकते हैं. वो शेयर चाहे तो शेयर खरीदें, वो बॉन्ड चाहे तो बॉन्ड खरीदें, वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, अलग अलग सिक्योरिटीज हैं, वो चाहे तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खरीदें, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें, ETF में इन्वेस्ट करें, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स में. प्राइस डिस्कवरी का मौका मिलता है शेयर मार्केट में, यानी कैपिटल मार्केट में प्राइस डिस्कवरी होता है. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, प्राइस डिस्कवरी. प्राइस डिस्कवरी का मतलब ये होता है कि शेयर लिस्ट होती है स्टॉक एक्सचेंज में, उसमें क्या होता है कि नेचुरली वो खरीदे बेचे जाते हैं, यानी कि जो इन्वेस्टर है वो शेयर को खरीदता है, वो उसको बेचता है, और वो नेचुरल फ्लो में चलता है. जब इन्वेस्टर को लगता है कि मार्केट बढ़ने वाली है वो शेयर को खरीद लेता है, जब उसको लगता है कि मार्केट घटने वाली है वो शेयर को बेच देता है. इस हिसाब से शेयर नेचुरली घटता या बढ़ता है, उसको कहते हैं प्राइस डिस्कवरी. कैपिटल मार्केट में लिक्विडिटी की अगर जरूरत है तो ये लिक्विडिटी को बढ़ाती है. इसको कैसे देखते हैं हम लिक्विडिटी को? लिक्विडिटी को देखने का मतलब ये हो गया कि जब जब हमें पैसे की जरूरत पड़ती है, मान लो कि हमने शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रखा है, शेयर खरीद रखा है रिलायंस का या टाटा का शेयर खरीद रखा है, जब मुझे जरूरत पड़ेगा मैं उसको सेल कर दूंगा, सेल करूंगा तो मुझे एक दिन के अंदर में पैसे T+1 में पैसे मिल जाएंगे, यानी मेरे अकाउंट में आ जाएंगे. तो ये होता है लिक्विडिटी, यानी जब जरूरत पड़ा आपने तो उसको, आपको जब पैसे की जरूरत पड़ती है तो आप उसको इजिली खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं. प्रॉपर्टी में ऐसा नहीं होता है. प्रॉपर्टी में होता है कि आपको टाइम लगता है, तुरंत इमिडिएटली आप अगर बेचने जाएंगे तो आपको सेम प्राइस पे नहीं बिकेगा, बहुत कम प्राइस पे बिकेगा. लेकिन यही कैपिटल मार्केट का इसका सबसे बड़ा बेनिफिट है कि जब भी आपको बेचना हुआ आप सेम प्राइस पे आप उसको बेच सकते हैं. रिस्क डाइवर्सिफिकेशन भी एक इसका बेनिफिट है कि आप रिस्क को डाइवर्सिफाई कर सकते हैं, यानी कि आप शेयर में इन्वेस्ट करिए. शेयर में भी बहुत सारी कंपनीज हैं, ब्लू चिप कंपनीज हैं, मिडचिप कंपनीज हैं, उसमें आप इन्वेस्ट करिए. स्मॉल कैप कंपनीज हैं, उसके अलग अलग फीचर हैं, वो हम समझेंगे बाद में. तो आप अलग अलग कंपनीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप अलग अलग एसेट्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, शेयर में, म्यूचुअल फंड में, बॉन्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं. तो कई तरीके से जो कैपिटल मार्केट है वो इन्वेस्टर और जो बॉरोअर होते हैं, गवर्नमेंट या कॉरपोरेट होते हैं, उनको बेनिफिट करते हैं. Let's see some of the differences between money market and capital market. Money market up to 1 year के लिए होता है और ये short term के लिए होता है, यानी up to 1 year, एक साल के अंदर में पैसे raise किए जाए money market से
लेन देन किया जाए और वो जो होता है ड्यूरेशन एक साल का होता है, लेकिन जो कैपिटल मार्केट है उसका ड्यूरेशन मीडियम या लॉन्ग टर्म का होता है, यानी 5 साल का या 5 साल से ज्यादा का होता है, 3 से 5 साल या 5 साल से ज्यादा होता है वो कैपिटल मार्केट कहलाता है। जो टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट इन व्हाट, मनी मार्केट में जनरली प्रॉमिसरी नोट्स, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, कमर्शियल पेपर, टी बिल्स, कॉल मनी, इसका यूज होता है। लेकिन कैपिटल मार्केट में शेयर्स, डिबेंचर, बॉन्ड, प्रिफरेंस शेयर, इनका यूज होता है, ये इंस्ट्रूमेंट होते हैं। इनके जो मैच्योरिटी पीरियड है, एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, मनी मार्केट का 1 साल का होता है, लेकिन कैपिटल मार्केट का लॉन्ग टर्म होता है, उनका एक टाइम फ्रेम नहीं होता है। कैपिटल मार्केट में आप 3 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल के लिए भी इन्वेस्ट कर सकते हो या उससे ज्यादा कर सकते हो, जब चाहो तब तो खरीदो, जब चाहो तब तो बेचो, लेकिन पर्पज उसका लॉन्ग टर्म होता है। रिस्क फैक्टर, क्योंकि जो मनी मार्केट है वो बहुत ही ज्यादा लिक्विड होता है, यानी कभी भी खरीद सकते हो, कभी बेच सकते हो, तो उसमें रिस्क बहुत कम होता है, लो रिस्क होता है, बहुत ही रिस्क इसका बहुत लो होता है, लो रिस्क होता है। लेकिन वही जो कैपिटल मार्केट है उनका रिस्क बहुत ज्यादा हाई होता है एज कम्पेयर टू मनी मार्केट। इनको रिस्की कहा जाता है कैपिटल मार्केट को, क्योंकि शेयर मार्केट में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हो सकता है कि 15-20% भी दे दे 5 साल में, और ये भी हो सकता है कि वो 2%, 3%, 5%, 8%, 9% भी दे। कई बार तो 1 साल के अंदर में कर रहे हैं तो वो माइनस में भी चले जाते हैं। तो शेयर मार्केट में, कैपिटल मार्केट में रिस्की है, लेकिन जो मनी मार्केट है वो कम रिस्क है। रेट ऑफ रिटर्न, जहां पे रिस्क कम है वहां पे रिटर्न भी कम होगा, तो इसके जो रिटर्न है मनी मार्केट के कम है। क्योंकि कैपिटल मार्केट हाई रिस्क की है तो उसमें रिटर्न भी बहुत ज्यादा होता है, बहुत हाई रिस्क हाई रिटर्न इसमें है। इसमें 20%, 25% CAGR कंपाउंड इंटरेस्ट के रेट से पैसे इंक्रीज होते हैं, उससे ज्यादा भी होते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ कैपिटल मार्केट, कैपिटल मार्केट दो पार्ट में डिवाइड होता है, एक होता है प्राइमरी मार्केट और दूसरा होता है सेकेंडरी मार्केट को स्टॉक एक्सचेंज भी। प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट को और अच्छे समझेंगे। प्राइमरी मार्केट जो होता है वो फर्स्ट टाइम के लिए होता है, यानी कि जब कंपनी को फर्स्ट टाइम पैसे की जरूरत होती है, 1000 करोड़, 500 करोड़, 5000 करोड़ की जरूरत है, तो पब्लिक में जाता है, हमें हमारा शेयर खरीदिए, आप शेयर का ओनरशिप लीजिए, तो वो प्राइमरी मार्केट में जाता है। एक बार पब्लिक शेयर खरीद देती है तो फिर वो जाती है स्टॉक एक्सचेंज में, लिस्ट होती है NSE, BSE, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज हो गया, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होती है, तो वो होता है सेकेंडरी मार्केट कहलाता है। एक बार शेयर मार्केट में स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हो गई तो सेकेंडरी मार्केट कहलाएगा। प्राइमरी मार्केट तब कहलाएगा जब वो पहली बार जो कंपनी है वो ऑफर करती है कि शेयर खरीदना है। इसका दूसरा नाम न्यू इशू मार्केट है, यानी नया नया जब शेयर इशू किया जाता है तो प्राइमरी मार्केट में जाता है। एक बार शेयर इशू हो जाता है तो वो शेयर मार्केट में जाता है। टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट, IPO है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, FPO है, फॉलो अप पब्लिक ऑफरिंग। IPO वो है जो कि पहली बार जब कंपनी शेयर लॉन्च करती है, इशू करती है पब्लिक के लिए कि आप पब्लिक खरीदें शेयर को, तो वो IPO कहलाता है। IPO में जैसे 10,000 शेयर है उसको खरीदना है, एक एक का दाम 10 रुपए है, तो 10,000 × 10 1 लाख, 1 लाख टोटल कैपिटल उसको रेज करना है, तो 10,000 में वो डिवाइड कर देती है कि 10,000 शेयर है, 10 रुपए उसका एक एक शेयर का दाम है, वो IPO के थ्रू वो फर्स्ट टाइम इशू करती है। FPO क्या होता है, फॉलो अप पब्लिक ऑफरिंग में एक बार IPO इशू हो गई, फिर सेकेंड टाइम जब कंपनी को जरूरत पड़ती है तो FPO के थ्रू वो पैसे रेज करती है, यानी ऑलरेडी IPO हो चुका है, फिर FPO होता है, फॉलो अप पब्लिक ऑफरिंग। IPO मतलब पहली बार जब कंपनी को पैसे जरूरत पड़ती है, पब्लिक में जाती है, तो वो IPO कहलाता है, शेयर जो पब्लिक खरीदती है। सेकेंड टाइम उसी कंपनी को जब जरूरत पड़ती है तो FPO से पैसे उठाती है, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग। सेकेंडरी मार्केट में क्या होता है, शेयर, वेरिएंट्स, डेरिवेटिव और बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं। परचेस टाइप क्या होता है, डायरेक्ट
कंपनी से खरीदी जाती है। मान लिया रिलायंस ने आईपीओ लॉन्च किया है, तो हम अगर 10 शेयर खरीद रहे हैं 10 रुपए में, यानी 100 शेयर खरीदे, तो डायरेक्ट हम रिलायंस को पैसे दे रहे हैं। लेकिन जब सेकेंडरी मार्केट, शेयर मार्केट में जब चली जाती है, स्टॉक एक्सचेंज में जब शेयर लिस्ट हो जाती है, तो जो हम शेयर खरीदेंगे तो हम किसी इन्वेस्टर से खरीदेंगे, जब बेचेंगे तो किसी इन्वेस्टर को बेचेंगे। क्यों बेचेंगे? क्योंकि शेयर मार्केट में दो ही प्लेयर होते हैं, एक इन्वेस्टर होता है, दूसरा इन्वेस्टर होता है। यानी कि मैंने अगर रिलायंस का शेयर खरीदा है, तो अगर मुझे बेचना है तो मैं बेचने के लिए ऑर्डर डाल दूंगा कि मुझे बेचना है, तो कोई दूसरा जो इन्वेस्टर होगा उसको खरीदना है तो जाके उसको खरीदेगा। कोई कंपनी नहीं खरीदती, वो इन्वेस्टर ही खरीदता है इसको। फिर नेक्स्ट है फ्रीक्वेंसी ऑफ सेलिंग, यानी कंपनी एक ही बार बेचती है, बार बार तो नहीं बेचेगी एक ही शेयर को। कंपनी एक बार बेचती है, उसको 5000 करोड़ का जरूरत है, 5000 उसको मिल गया, उससे अपना वो बिजनेस स्टार्ट करती है, बिजनेस एक्सपैंड करती है। लेकिन जब शेयर मार्केट में चला जाता है, उसको बार बार खरीदा जाता है, मैंने खरीदा, मैंने किसी और को बेचा, उसने खरीदा, उसने किसी और को बेचा, इसी तरीके से वो साइकिल चलता रहता है। एक खरीदता है, दूसरा बेचता है, फिर खरीदता है, फिर बेचता है, ये साइकिल चलता रहता है, रोटेट करता रहता है। पार्टीज कंपनी और इन्वेस्टर होते हैं प्राइमरी मार्केट में, यानी मुझे शेयर खरीदना है, मैं जा खरीदूंगा, कंपनी को पैसे जो होते हैं कंपनी उसको इशू करती है। लेकिन जो सेकेंडरी मार्केट होती है, उसमें बायर और सेलर जो होते हैं वो इन्वेस्टर ही होते हैं, यानी इन्वेस्टर ही बायर होते हैं, इन्वेस्टर ही सेलर होते हैं। बेनिफिशियरी कंपनी होती है, उसको पैसे की जरूरत है, हमने जाकर शेयर खरीद लिया तो कंपनी को डायरेक्ट पैसा मिला, उसके अकाउंट में पैसे आए। लेकिन सेकेंडरी मार्केट है, वहां पे जो बेनिफिशियरी है, जिसको फायदा मिल रहा है, वो मिल रहा है इन्वेस्टर को। तो यहाँ पे फिर अगला देखते हैं कि जो इंटरमीडियरीज हैं, यानी किसके थ्रू आप आईपीओ खरीद रहे हैं, अंडरराइटर के थ्रू खरीद रहे हैं। लेकिन जब सेकेंडरी मार्केट में आप जब शेयर खरीदते हैं, तो ब्रोकर के थ्रू खरीदते हैं, डायरेक्ट नहीं खरीदते हैं, ब्रोकर लगता है, ब्रोकर के थ्रू ही आप शेयर खरीदते हैं। पर्पस क्या है? पर्पस है कैपिटल रेज करना। प्राइमरी मार्केट का जो पर्पस है कैपिटल, रिलायंस को जरूरत है 10000 करोड़ का, उसने जाकर सीधा आईपीओ लॉन्च किया और पैसे उठा लिया। लेकिन जो सेकेंडरी मार्केट है, उसका पर्पस है ट्रेडिंग, वहां पर ट्रेडिंग होती है, एक इन्वेस्टर खरीदता है, दूसरा इन्वेस्टर उसको बेचता है, इससे क्या आती है, लिक्विडिटी मिलती है, यानी पैसे काफी लिक्विडिटी होती है, लोग खरीदते हैं बेचते हैं। प्राइमरी मार्केट होती है, वो इन्वेस्टर को बेचती है शेयर फिक्स प्राइस, मान लीजिए 300 रुपया रख दिया प्राइस, कि एक शेयर का दाम 300 रुपये है। लेकिन जो सेकेंडरी मार्केट है, वो डिमांड सप्लाई पर डिपेंड करता है, कि आज 300 हो गया, कल 500 हो गया, फिर परसों उसका उसी का दाम 150 रुपये हो गया, तो डिमांड ज़्यादा है तो दाम बढ़ता गया, डिमांड कम है तो शेयर का दाम गिरता गया, लेकिन प्राइमरी मार्केट में फिक्स होता है। फिर कंपनी को बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन से गुजरने होते हैं आईपीओ लॉन्च करने के लिए। लेकिन जो इन्वेस्टर होते हैं, ब्रोकर होते हैं, उनको जो एक्सचेंज होते हैं, जैसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, उनके रूल्स को फॉलो करने होते हैं। तो हमने देखा प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट किस तरीके से काम करते हैं, क्या डिफरेंस है। लेट्स सी कि शेयर क्या होता है। शेयर, चूंकि हम जानते हैं कि प्राइमरी मार्केट में इसको इशू किया जाता है, और ये स्टॉक एक्सचेंज यानी सेकेंडरी मार्केट में इसको ट्रेड किया जाता है। एक बार कंपनी ने इशू कर दिया, यानी कंपनी को पैसे की जरूरत है, कंपनी को पैसे की जरूरत है, मान लेते हैं कि 1000 रुपये की जरूरत है, इजी कैलकुलेशन कर लेते हैं, उसने 100 शेयर इशू किए, एक शेयर का दाम 10 रुपये है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसको मैक्सिमम 100 लोग खरीद सकते हैं, 100 शेयर में 100 लोग खरीद सकते हैं, या 20 लोग खरीद सकते हैं, एक ने 5 शेयर खरीदे, एक ने 10 शेयर खरीदे, एक ने 20 शेयर खरीदे, तो वो कंपनी का शेयर खरीदता है। और उसके बाद जब कंपनी को वो पैसे चले जाते हैं आईपीओ के थ्रू, तो वो शेयर को स्टॉक मार्केट में लिस्ट कर दिया जाता है। स्टॉक मार्केट में एक बार लिस्ट हो गया, तो फिर वो इसे, ये बंदा जो 5 शेयर खरीदा है, वो किसी और को बेच सकता है, जाके कोई और इन्वेस्टर को बेच सकता है। मान लीजिए कि मैंने 5 शेयर खरीदे हैं रिलायंस के, कल के डेट में मुझे जरूरत पड़ी, मैंने उसको बेच दिया, कोई और इन्वेस्टर को खरीद लिया, तो इन्वेस्टर के थ्रू ये सर्कुलेट होता रहता है, इन्वेस्टर खरीदता है, बेचता है, एक दूसरे के इन्वेस्टर को खरीदता है। तो इस तरीके से शेयर्स काम करती है। इसको फिर से समझेंगे कि शेयर्स का मतलब ये होता है कि जब भी कंपनी को जरूरत पड़ता है, वो पैसे मार्केट से उठाती है, उनको शेयर देती है, एक बार शेयर लोग खरीद लेते हैं,
तो फिर वो स्टॉक एक्सचेंज यानी शेयर मार्केट में उसको लिस्ट कर दिया जाता है, और एक बार जब शेयर मार्केट में लिस्ट हो गया फिर उसके बाद उसको इन्वेस्टर लोग यानी कि जिसको पैसे इन्वेस्ट करना है मार्केट में वो उसको खरीदता है, उसको बेचता है, यानी अलग अलग इन्वेस्टर बहुत सारे, मुझे जो है मैंने खरीदा, यानी बहुत सारे इन्वेस्टर उसमें खरीदते बेचते हैं, आज मैंने खरीदा, कल किसी और ने खरीदा, उसने किसी और को बेचा, तो इस तरीके से खरीदारी बेचना होता है। इसका अपना सिस्टम है बेचने का, ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होता है, उस पर लोग खरीदते और बेचते हैं, कौन खरीद रहा है कौन बेच रहा है उससे कोई मतलब नहीं होता है। मैंने मुझे शेयर बेचना है, 5 शेयर बेचना है, मैंने ऑर्डर प्लेस कर दिया कि मुझे बेचना है, किसी को खरीदना है 5 शेयर तो वो खरीद लेता है, तो किसी की आइडेंटिटी से कोई मतलब नहीं होता, किसी के फेस से मतलब नहीं होता, कोई आमने सामने मिलता नहीं है, ये सब ऑनलाइन होता है और एक प्लेटफॉर्म क्रिएट किया जाता है जहाँ पे लोग खरीदते बेचते हैं एक दूसरे को जाने पहचाने बगैर। तो ये होता है शेयर सिंपल लैंग्वेज में। सेकेंड चीज ये है कि शेयर्स के दो टाइप होते, पहला जो है वो है इक्विटी शेयर और दूसरा है प्रिफरेंस शेयर। इक्विटी शेयर और प्रिफरेंस शेयर, इक्विटी शेयर का मतलब वो होता है कि ये ओनरशिप देता है, जो कंपनी कहती है कि अगर आप मालिक बनना चाहते हो तो आप इक्विटी शेयर बनो, इक्विटी शेयर को खरीदो, आप मालिक नहीं बनना चाहते हो तो आपको प्रिफरेंस शेयर खरीदो। दोनों शेयर्स ही हैं लेकिन दोनों की अहमियत अलग अलग है, दोनों के बेनिफिट अलग अलग है। जो इक्विटी शेयर होल्डर है वो मालिक होते हैं, मान लीजिए कि इसमें 1000 शेयर है, यहाँ जो हमने एग्जांपल लिया है उसमें किसी ने 5 शेयर खरीदे हैं तो वो 5 शेयर का ओनर है, 5 शेयर का वो मालिक है, वो मालिक कहा जाएगा उसको 5 शेयर का, अगर इसने इक्विटी खरीदी है तो। लेकिन अगर वो प्रिफरेंस शेयर खरीदा है 5 शेयर तो मालिक नहीं कहलाएगा, तो ये डिफरेंस है। जो इक्विटी शेयर होल्डर हैं उनको वोट करने का राइट होता है, यानी कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं उसको हटा सकता है, वो नया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को चेंज कर सकता है। प्रिफरेंस शेयर का अपना एक अलग अहमियत है, उसमें डिविडेंड जो मिलता है एक, यानी जो कंपनी को प्रॉफिट होती है, कंपनी प्रॉफिट को बांटती है शेयर होल्डर में, उस प्रॉफिट को कहते हैं डिविडेंड, डिविडेंड पेमेंट। तो जब वो प्रॉफिट बांटती है शेयर होल्डर में, यानी जो डिविडेंड बांटती है, तो सबसे पहले इक्विटी को मिलने से पहले प्रिफरेंस शेयर होल्डर को मिलता है। लेकिन प्रिफरेंस शेयर होल्डर के साथ दिक्कत यह है कि उसको वोटिंग राइट नहीं मिलता है, भाई आपको सब कुछ पहले मिल रहा है तो आपको वोटिंग राइट किस बात का, आपको वोटिंग राइट नहीं दिया जाएगा। तो ये डिफरेंस है इक्विटी शेयर्स और प्रिफरेंस शेयर्स में। इक्विटी शेयर को हम और अच्छे से समझेंगे कि इक्विटी शेयर क्या होता है। इक्विटी शेयर में सबसे पहला चीज ये है कि राइट टू वोट मिलता है। इक्विटी शेयर चूंकि हम जानते हैं कि इसमें मालिकाना अधिकार होता है, जो इक्विटी शेयर खरीदता है वो मालिक होता है, उसने 1 शेयर खरीदा है तो 1 शेयर का मालिक है, 10 शेयर खरीदा है तो 10 शेयर का मालिक है, प्रॉपर ओनर होता है वो। ये अलग बात है उसकी ओनरशिप की जो अहमियत है वो उसके नंबर ऑफ शेयर्स होता है, 1 शेयर खरीदा तो 1 शेयर का ओनर, और 5000 शेयर खरीदा तो 5000 शेयर का ओनर, तो उसके पास राइट होता है कि वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को चेंज कर सके। लेकिन जो लोग 1-2 शेयर, 5 शेयर, 10 शेयर, 20 शेयर खरीदते हैं वो नहीं कर पाते हैं, जो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते हैं, जैसे किसी ने 20%, 30%, 5% शेयर खरीदे हैं किसी कंपनी के, तो वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को चेंज कर पाते हैं। दूसरा है डिविडेंड। डिविडेंड हमने देखा है उसको, डिविडेंड मतलब होता है प्रॉफिट, डिविडेंड को का दूसरा मीनिंग है प्रॉफिट, यानी जब भी कंपनी को प्रॉफिट होती है, जब कंपनी मुनाफा करती है तो मुनाफा किसको मिलेगा, अल्टीमेटली मालिक को मिलता है। लेकिन मालिक को मिलने से पहले उस प्रॉफिट को कई लोगों में बांटा जाता है, जैसे डेटर्स हो गए जिनसे उन्होंने उधार लिया है, कंपनी ने उधार लिया है, सबसे पहले उसको चुकाएगी। डेटर्स को देने के बाद जो लोग वेंडर्स हैं, बहुत सारे लोग कंपनी के लिए काम करते हैं, उनको देती है, सैलरी देती है। फिर प्रिफरेंस शेयर्स जो होल्डर होते हैं उनको देती है, प्रिफरेंस शेयर होल्डर बोलते हैं भाई हमें सबसे पहले चाहिए, प्रिफरेंस शेयर होल्डर्स को देता है। फिर सबसे लास्ट में मिलता है इक्विटी शेयर होल्डर्स को, जो प्रॉफिट का जो हिस्सा है वो इक्विटी शेयर होल्डर्स को सबसे लास्ट में दिया जाता है, एट द एंड। तो इक्विटी शेयर क्या है, एक डिस्क्रिशनरी है, कंपनी के प्रॉफिट पे डिपेंड करता है डिविडेंड, कि कंपनी का प्रॉफिट होगा तो वो डिविडेंड बांटती है, उस प्रॉफिट को बांटती है और उसको कंपनी में री इन्वेस्ट द प्रॉफिट इंस्टेड ऑफ डिविडेंड। कभी कभी ये होता है कि कंपनी डिविडेंड नहीं देकर उसको दोबारा पैसे को कहीं और इन्वेस्ट कर देती है,
तो हमने देखा कि इक्विटी शेयर होल्डर जो है उनको डिविडेंड दी जाती है, और डिविडेंड भी उनको डिविडेंड यानी प्रॉफिट का कुछ हिस्सा दिया जाता है वो सबसे लास्ट में दिया जाता है। रिस्क एंड रिटर्न, इक्विटी शेयर कैरी हाई हायर रिस्क, इसमें रिस्क बहुत हाई होता है इक्विटी शेयर में क्योंकि इसका गेन भी हाई होता है और इसका रिस्क प्रेफरेंस शेयर से ज्यादा होता है, इसका रिस्क डेट इंस्ट्रूमेंट से ज्यादा होता है। रेसिडुअल क्लेम, चूंकि हमने देखा अभी कि जो इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं उनको सबको देने के बाद प्रॉफिट जब सबको बढ़ जाता है, डेटर्स को बटा, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को बटा, उसके बाद इक्विटी शेयर होल्डर्स को प्रॉफिट मिलता है, इसी को कहते हैं रेसिडुअल क्लेम, यानी सबसे लास्ट में आपको मिलता है क्योंकि आप मालिक हो। मालिक कौन होता है? मालिक वो होता है जो सबको बांटने के बाद जो बचता है, थोड़ा बचे ज़्यादा बचे, वो उसका होता है। तो इक्विटी शेयर जो होल्डर होते हैं वो मालिक होते हैं, वो उनको रेसिडुअल क्लेम यानी सबसे लास्ट में जो भी प्रॉफिट बचा रहता है उसको डिविडेंड के रूप में उनको दिया जाता है। कभी कभी तो वो भी नहीं मिलता है, कंपनी उस डिविडेंड को अपनी अपनी एक्सपेंशन में लगा देती, कंपनी को और बढ़ाने में लगा देती है, तो रेसिडुअल क्लेम में उनका राइट होता है इक्विटी शेयर होल्डर्स का। टाइप्स ऑफ इक्विटी शेयर्स, इक्विटी शेयर्स के बहुत सारे टाइप होते हैं, एक बहुत अच्छा कंसेप्ट है, इसको समझना ज़रूरी है शेयर्स को समझने के लिए। एक होता है ऑथोराइज कैपिटल। ऑथोराइज कैपिटल का मतलब ये होता है कि किसी भी कंपनी को ऑथराइजेशन हासिल है गवर्नमेंट से कि वो 1,000 रुपये तक का शेयर कैपिटल उठा सकती है, यानी 1,000 रुपये तक उठा सकती है मार्केट से। सिंप्लीफाई करने के लिए इसको हमने 1,000 रुपये ही लिया है। लेकिन इशू कैपिटल वो होता है कि मान ले 1,000 का ऑथोराइजेशन है कि 1,000 रुपये ही आप उठा सकते हैं मार्केट से, कंपनी ने असल में उठाया सिर्फ 800 रुपये, तो ये हो गया इशू कैपिटल, यानी कंपनी ने 800 शेयर ही इशू किए, टोटल 800 रुपये का शेयर इशू किया, भले ही वो 800 शेयर कर दे या उसको 2-2 रुपये में बेचे एक शेयर को या 5 रुपये में बेचे, 800 रुपये तक का वो शेयर को इशू किया, वो कहते हैं इशू शेयर कैपिटल। सब्सक्राइब शेयर कैपिटल का मतलब होता है कि जो पब्लिक है, कंपनी ने इशू कर दिया 800, लेकिन खरीदारी कितने का हुआ ये इंपॉर्टेंट है ना। मान लो पब्लिक ने खरीद लिया 600, यानी कि गवर्नमेंट ने कहा कि 1,000 तक के आप मार्केट से उठा सकते हैं, असल में कंपनी ने सिर्फ 800 रुपये ही मार्केट में उठाने का इरादा किया, लेकिन असल में पब्लिक जब खरीदने गई तो उसने सिर्फ 600 रुपये का ही शेयर खरीदा। पेडअप कैपिटल का मतलब होता है कि कंपनी ने कितने पैसे दिए, असल में कितने पैसे पे किए उस शेयर को खरीदने के लिए। 600 रुपये का सब्सक्राइब शेयर है, यानी 600 रुपये में लोगों ने सब्सक्राइब किया और उन्होंने 600 रुपये कंपनी को, तो ये कंसेप्ट हो गया ऑथोराइज कैपिटल, यानी कंपनी को इतना ऑथोराइजेशन है, कितना ही आप 1,000 रुपये से ज़्यादा नहीं आप मार्केट से उठा सकते। इशू मतलब कंपनी ने कितना इरादा किया कि भाई मार्केट से उठाना है हमें 800 ही उठाना है, लेकिन पब्लिक ने उसको 600 ही खरीदा और उसने पे किया 600 रुपये। तो इस तरीके से हम देखते हैं किस टाइप से इक्विटी शेयर्स के कितने टाइप्स होते हैं। प्रिफरेंस शेयर्स, प्रिफरेंस शेयर्स हमने अभी देखा है कि प्रिफरेंस शेयर्स और इक्विटी शेयर्स क्या होते हैं, इसको और हम डिटेल में देखते हैं। प्रिफरेंस शेयर्स वो होता है जिसमें फिक्स डिविडेंड दिया जाता है। फिक्स डिविडेंड क्यों दिया जाता है? इसलिए दिया जाता है कि जो प्रिफरेंस शेयर्स हैं, शेयर होल्डर्स हैं, उनके पास दो खासियत होता है। एक वो डेट का खासियत होता है, यानी कि उनको फिक्स इनकम मिलता है, डेट का खासियत होता है। दूसरा उनको इक्विटी का खासियत होता है, यानी फ्यूचर उनके इक्विटी का भी होता है और डेट का भी होता है, इक्विटी और डेट दोनों का उनको फ्यूचर होता है। किस तरीके से होता है देखते हैं। जब भी प्रॉफिट होती है, मान लीजिए कि कंपनी ने 100 रुपये प्रॉफिट किया, अब 100 रुपीज में तो अलग अलग लोगों को बटेगा, जिसमें डेटर्स हैं, कर्जा लिया है कंपनी ने, कर्जे वाले को देगा, डेटर्स को देगा, फिर उसके बाद ये ऑलरेडी हमने देखा है कि डेटर्स के बाद अगर बचेगा तो प्रिफरेंस शेयर होल्डर्स को देगा। डेटर्स को जब देता है, क्रेडिटर्स को देता है, तो उनका भी फिक्स होता है भाई हमें 10% चाहिए तो चाहिए। प्रिफरेंस शेयर वाले भी शेयर फिक्स करके रखते हैं कि हमें भी 5 रुपये कम से कम चाहिए, यानी 100 रुपये का प्रॉफिट हुआ तो 5 रुपये प्रिफरेंस शेयर को मिल जाता है। पहला ही उनका फिक्स होता है 5 रुपये आपको मिलेगा 100 रुपये प्रॉफिट हुआ तो। लेकिन प्रॉफिट अगर नहीं हुआ तो ये 5 रुपये नहीं मिलेगा, इसलिए इसका फीचर डेट और इक्विटी कहा जाता है। इक्विटी इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि प्रॉफिट हुआ तो मिलेगा,
नहीं हुआ तो आपको नहीं दिया जाएगा, आप दावा नहीं कर सकते हैं। यानी अगर लॉस हुआ तो दावा नहीं कर सकते, लेकिन डेटर्स को उससे मतलब नहीं। डेटर्स अगर कर्जा दिया है कंपनी लॉस में जाए प्रॉफिट में जाए, कर्जा वाले तो कर्जा वसूल करेगा ही करेगा। तो डेटर्स का फिक्स होता है, आप कंपनी प्रॉफिट में हो या लॉस में हो, लेकिन जो प्रिफरेंस शेयर होल्डर होते हैं प्रॉफिट जब होगी तो उसका फिक्स अमाउंट रहता है कितना आपको 5% मिलेगा 100 रुपए में, फिक्स डिविडेंड होता है उसका। उसके बाद प्रिफरेंस इनको दिया जाता है, यानी कि सबसे पहले प्रिफरेंस शेयर होल्डर्स को दिए जाते हैं 5 रुपए। उसके बाद प्रिफरेंस शेयर होल्डर के बाद बांटने के बाद उनको प्रॉफिट बांटने के बाद कुछ प्रॉफिट बचता है तो वो मिलता है मालिकों को। मालिक कौन होते हैं? वो होते हैं इक्विटी शेयर होल्डर्स वाले होते हैं। इक्विटी शेयर होल्डर्स जिन्होंने इक्विटी खरीदी होती है वो कंपनी के मालिक होते हैं, तो लास्ट में उनको पैसा दिया जाता है। यानी जो प्रिफरेंस शेयर होल्डर होते हैं उनको इक्विटी शेयर होल्डर से पहले पैसे दिए जाते हैं। नॉन वोटिंग राइट्स, क्योंकि इनको इनके पास डेट का भी फीचर है, डेट का मतलब होता है फिक्स अमाउंट इनको मिल रहा है प्रॉफिट पे, तो इनको सारा बेनिफिट ये ले रहे हैं, तो इनको मालिकाना अधिकार नहीं दिया जाता है। मालिकाना अधिकार जो मालिक होते हैं वो वोट करते हैं, जो मालिक नहीं होते वोट नहीं करते, तो प्रिफरेंस शेयर होल्डर लोग मालिक नहीं होते हैं, इसलिए इनके पास वोटिंग का राइट नहीं होता है। रिडीमेबल, कंपनी जब चाहे इस शेयर को रिडीम कर सकती है, यानी कि वापस वो खरीद सकती है प्रिफरेंस शेयर्स को। तो प्रिफरेंस शेयर्स के कई फीचर्स हैं जो कि हमने देखे हैं। टाइप्स ऑफ प्रिफरेंस शेयर, प्रिफरेंस शेयर्स के बहुत सारे टाइप होते हैं, जिसमें से पहला है क्यूमुलेटिव। क्यूमुलेटिव का मतलब ये होता है कि जब कंपनी प्रॉफिट करती है तो प्रॉफिट को वो क्या करती है, वो बांटती है शेयर होल्डर्स में बांटती है। और चूंकि हम जानते हैं कि जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर होते हैं उनको सबसे पहला प्रॉफिट में हक होता है, यानी डिविडेंड में, प्रॉफिट को डिविडेंड भी कहते हैं, उस डिविडेंड में राइट होता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कंपनी किसी किसी साल प्रॉफिट यानी डिविडेंड डिक्लेयर नहीं करती है, भाई इस साल आपको नहीं दिए जाएंगे। तो अगला साल जब कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करती है तो जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर होते हैं वो उसको क्लेम करते हैं कि हमें आप जो मेरा बचा हुआ है वो आप हमें दे दीजिए, यानी कि जो बकाया जो डिविडेंड है प्रॉफिट का हिस्सा है पिछला साल का वो हमें आप दे दीजिए। और वो उनको मिलता है इक्विटी शेयर होल्डर से पहले, यानी इक्विटी शेयर होल्डर्स को मिलने से, डिविडेंड मिलने से पहले उनको बकाया राशि दे दी जाती है, बकाया पैसा दे दिया जाता है। दैट इज क्यूमुलेटिव प्रिफरेंस शेयर होल्डर्स। कन्वर्टिबल प्रिफरेंस शेयर होल्डर्स क्या होता है कि उनको हक होता है, उनको राइट दिया जाता है कि आप कभी भी इक्विटी शेयर होल्डर्स में अपने आप को कन्वर्ट कर सकते हैं एक स्पेसिफाइड टाइम के बाद। और उनका एक सर्टेन कंडीशन होता है, कुछ शर्तें होती हैं जिनको पूरा करना पड़ता है, ठीक है। तो वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स है वो इक्विटी शेयर में कन्वर्ट करने को कहते हैं कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर। पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर किसको बोलते हैं? पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर में यह होता है कि कंपनी मान लीजिए नॉर्मली वो 100 करोड़ रुपए उसको प्रॉफिट हुआ, 100 करोड़ का उसको प्रॉफिट हुआ, लेकिन कभी कभी ये भी हो सकता है कि 100 करोड़ की जगह कंपनी को 120 करोड़ का प्रॉफिट हो जाए, पॉसिबल है, पॉसिबल हो भी सकता है, क्योंकि कंपनी प्रॉफिट कम बेसी होता है, कोई फिक्स नहीं होता है, कभी कभी बहुत ज़्यादा भी प्रॉफिट हो जाता है। तो अगर 120 करोड़ प्रॉफिट हुआ तो जो पार्टिसिपेटिंग प्रिफरेंस शेयर होल्डर हैं वो कहते हैं कि जो 20 करोड़ एक्स्ट्रा प्रॉफिट हुआ है इसमें भी हमें थोड़ा सा मुनाफा मिल जाए तो अच्छा रहेगा, हमें भी थोड़ा बेनिफिट मिलना चाहिए क्योंकि हम भी शेयर होल्डर हैं, भले ही प्रीफरेंस शेयर होल्डर है लेकिन शेयर होल्डर तो है। तो पार्टिसिपेटिंग प्रीफरेंस शेयर होल्डर को जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट होती है यानी एक्सेस अगर प्रॉफिट कंपनी करती है उसमें उनको डिविडेंड दिया जाता है, कंपनी के थ्रेशोल्ड लिमिट से ज़्यादा अगर प्रॉफिट होती है तो उसमें उनको बेनिफिट दिया जाता है। लेकिन नॉन क्यूमुलेटिव जो होते हैं उनको बेनिफिट नहीं दिया जाता है। मान लिया जाए कि इनको 10% मिलना है, मतलब जो भी प्रॉफिट है कंपनी का उसमें प्रेफरेंस होल्डर को 10% मुनाफा मिलना है, डिविडेंड मिलना है, तो उनको 10% ही मिलेगा, भले कंपनी 100 करोड़ प्रॉफिट करे, 120 करोड़ करे या वो 150 करोड़ करे, उससे मतलब नहीं है। अगर आप क्यूमुलेटिव शेयर होल्डर्स हैं तो आपको एक्स्ट्रा प्रॉफिट पर मुनाफा मिलेगा, अगर नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर होल्डर हैं तो आपको एक्स्ट्रा प्रॉफिट पर मुनाफा नहीं दिया जाएगा, कहा जाएगा कि आप प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैं वो भी नॉन क्यूमुलेटिव है तो आपको एक्स्ट्रा जो हमारा प्रॉफिट हुआ है उस पर आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा, आपका 10% है 100 करोड़ पे वो 10% ही मिलेगा, यानी 10% ही आपको दिए जाएंगे
100 करोड़ पे, यानी उनका एक फिक्स होता है अमाउंट कि इतना 10%, 5%, 2% इतना उनको प्रॉफिट डिविडेंड मिलना है तो मिलना है, इतना ही मिलेगा अगर नॉन क्यूमुलेटिव प्रिफरेंस शेयर होल्डर है। प्रिफरेंस शेयर होल्डर्स के कुछ नुकसान हैं तो इसके बहुत सारे फायदे भी हैं। नुकसान यह है कि वोटिंग राइट नहीं मिलता है, ओनरशिप राइट नहीं मिलता है। एडवांटेज ये है कि इनको स्टेडी इनकम मिलता है, यानी अगर 10% इनको मिलना है 100 करोड़ के प्रॉफिट पे, 100 करोड़ एजम्पशन लेते हैं कि 100 करोड़ प्रॉफिट हो रही है तो 10% उनको मिलना है तो 10% ही उनको मिलेगा, यानी कि इनकम उनका फिक्स है। लेकिन इक्विटी शेयर होल्डर्स का फिक्स नहीं है, उनको तभी मिलेगा जब सब लोगों को बढ़ जाए, वो मालिक है, मालिक को सबसे लास्ट में ही मिलता है ना। प्रिफरेंस होल्डर्स को मिलेगा, डेट होल्डर्स को मिलेगा, जितने लोगों सबको बांट के जितना बचेगा उनको मिलेगा, लेकिन जो प्रिफरेंस शेयर होल्डर्स होने उनको एक फिक्स इनकम दी जाती है प्रॉफिट के टाइम, लॉस में नहीं दी जाती इनको, ये यहाँ पे ध्यान रखा जाए। इनको प्रायोरिटी इन डिविडेंड्स, डिविडेंड जब मिलती है, यानी प्रॉफिट जब कंपनी करती है, जब प्रॉफिट वो बांटती है, डिविडेंड बांटती है, तो उसमें उनको इक्विटी शेयर होल्डर से पहले उनको फायदा मिलता है, इक्विटी शेयर होल्डर से पहले उनको पैसे मिलते हैं, डिविडेंड मिलते हैं। लो रिस्क, ये इस रिस्क तो होता है प्रिफरेंस शेयर होल्डर्स में, क्योंकि कंपनी अगर ने प्रॉफिट किया ही नहीं है तो इनको इनको लॉस तो होगा ही होगा, कंपनी ने लॉस किया तो इनका भी लॉस होगा। लेकिन अगर कंपनी ने प्रॉफिट किया तो उसमें इक्विटी शेयर होल्डर से ज्यादा रिस्क इनको नहीं है। इक्विटी शेयर होल्डर्स को हो सकता है कि एकदम 2 रुपया बचे, लेकिन इनका तो 5 रुपया बच रहा है, इनका एक फिक्स होता है कि भाई प्रॉफिट होगा तो आपको 5 रुपया देना ही देना है, तो 5 रुपया इनको मिलता है। और हो सकता है इक्विटी शेयर होल्डर्स को सिर्फ 2% ही मिले, 1% ही मिले, या हो सकता है कभी कुछ भी ना मिले, तो इनका रिस्क जो होता है कंपेरेटिवली इक्विटी शेयर होल्डर से कम होता है। तो ये एडवांटेजेस हैं प्रिफरेंस शेयर होल्डर्स के। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, थैंक यू वेरी मच। इफ यू हैव एनी डाउट एनी क्वेरी यू आर फ्री टू आस्क इन द कमेंट सेक्शन, वी विल बी हैप्पी टू रिजॉल्व योर क्वेरीज। थैंक यू।